और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को हुए लाल किला हिंसा केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक लाल किले में सोची समझी साजिश के तहत किसान मार्च दाखिल हुआ था। किसानों का मकसद था लाल किले पर कब्जा करके लाल किले को नया प्रोटेस्ट साइट बनाना, ताकि मोदी सरकार के नए किसान बिल का विरोध प्रदर्शन किया जा सके। इसलिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसानों को भीड़ में शामिल कर लाल किले में दाखिल करवाया गया था और घंटों लाल किले को बंधक बना लिया गया था। 26 जनवरी 2021 को लाल किले में जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली तमाम नियम और कानून को धता बताते हुए लाल किले में दाखिल हुई थी और जमकर उत्पात मचाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत प्रदर्शनकारी इस लाल किले में दाखिल हुए थे। मकसद था लाल किले को कब्जा करके नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाना और लाल किले में नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाकर सरकार के नए कृषि कानून बिल को विरोध करना। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को इसलिए चुना गया ताकि सरकार की देश और विदेश में शर्मिंदगी महसूस कराई जाए। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये भी बताया है कि लाल किले की प्राचीर में तिरंगे झंडे का अपमान करके निशान साहब और किसान झंडा फहराने वालों को मोटी रकम देने का वायदा भी किया गया था। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में एक आरोपी की बेटी का इंटरसेप्ट ऑडियो भी दाखिल किया है, जिसमें बेटी कह रही है कि पापा को 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में एक डेटा भी दिया है कि कैसे नवंबर और दिसंबर 2020 में ही दिल्ली हिंसा की साजिश रच दी गई थी। बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त बढ़ गई थी। तो सबसे चौंकाने वाला खुलासा लाल किले में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें दिल्ली पुलिस ने ये किया है कि उपद्रवी लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और इसे नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे। कैमरामैन नासिर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।